बड़ी खबर आपको बता दें, तलवार दंपत्ति की रिहाई की हलचल शुरू हो गई है। डासना जेल अधीक्षक ने भी आज रिहाई की उम्मीद जताई। अब से थोड़ी देर में तलवार दंपत्ति के वकील सीबीआई कोर्ट का रुख करेंगे। सारी औपचारिकताओं के बाद दोपहर 2:30 बजे जेल से आजाद हो सकते हैं आरुषि के माता पिता। गुरुवार को सीबीआई कोर्ट का फैसला खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलवार दंपत्ति को बरी कर दिया था, लेकिन तकनीकी वजहों से, यानी जो ऑर्डर की कॉपी थी उसे पहले सीबीआई कोर्ट पहुंचना था और वहां से डासना जेल। इस तमाम प्रक्रिया में समय बहुत लग गया, जिसकी वजह से शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन की यहां पर देरी हुई और अब उम्मीद है कि आज दोपहर बाद तक आरुषि के माता पिता जेल से रिहा हो सकते हैं। हालांकि रिहाई के आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को ही दे दिए थे। इसी बीच डासना जेल अधीक्षक ने भी उम्मीद जताई कि तलवार दंपत्ति की आज रिहाई हो जाएगी। 2 दिनों के कोर्ट के अवकाश के बाद जो है आज कोर्ट खुला है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि आज आफ्टरनून में तलवार दंपति की जो है रिहाई जेल से हो जाएगी, इस बात की पूरी संभावना है। सर, डीएम साहब को कुछ बोला? देखिए, जिस तरह देखिए जो है यहाँ पर जिस तरह का आप लोगों का जमावड़ा है और यहाँ पर भीड़ भाड़ है, उसको देखते हुए जो है सुरक्षा के अनुरोध प्रशासन से किया गया है और उनको पूरी सुरक्षा जो है यहाँ से। आपने बहुत अहम जानकारी बताई है कि सुरक्षा देंगे। जेल प्रशासन ने अनुरोध करा है तलवार दंपत्ति से कि वो जो डेंटल क्लिनिक के अंदर सर उसका सेटअप लगा है, उसमें विजिट करने आए सर, क्योंकि यहाँ के काफी मरीजों को रेगुलर विजिट करेंगे सर। उन्होंने काफी ज्यादा यहाँ पे सपोर्ट कराया जो क्लिनिक था उसका। जी जी, उनसे बात हुई है और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि दोनों दंपत्ति, जो दरबार दंपत्ति है, वो पीरियडिकली जो है जेल में विजिट करते रहेंगे, जिससे बंदियों को, जो यहाँ इनमेट्स हैं, उनको इस तरह की चिकित्सीय सुविधा सदैव मिलती है। सर, जो मेहनताना बनता है वो भी लेने से मना कर दिया। तकरीबन कितना हजार मेहनताना बना है सर तलवार दोनों का? देखिए, उन्होंने जेल में जो है अपनी जो सेवाएं दी है वो फ्री दी है। तो रिहाई की उम्मीद है, लेकिन इसी बीच डासना जेल से हमारे संवाददाता शम्स ताहिर खान हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही सीबीआई कोर्ट के बाहर से चिराग गोठी मौजूद हैं हमारे साथ। चिराग, सारी निगाहें इस वक्त सीबीआई कोर्ट के बाहर, क्योंकि फैसले की जो कॉपी थी पहले वो यहां पहुंचनी थी और उसके बाद डासना जेल, तो अभी क्या तस्वीर वहां से निकल कर आ रही है सामने? देखिए, जो वकील है वो आना शुरू हो गए, क्योंकि बैटरी ऑफ लॉयर्स हैं आरुषि केस में। अभी हमारी बात हुई थी जो इस मामले में वकील हैं सिसोदिया, उनका साफ साफ कहना है कि वो इस मामले में अदालत में एप्लीकेशन लगाएंगे और वो कुछ ही देर में एप्लीकेशन लगने वाली है। जहां मैं खड़ा हूं इसके बिल्कुल तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर ही सीबीआई कोर्ट है, हालांकि यहां से नजर नहीं आएगी। ये पता चला है कि एप्लीकेशन लगाई जाएगी, सर्टिफाइड कॉपी दी जाएगी और उसके बाद इस पूरे मामले में आगे प्रोसेस शुरू होगा। बेल बॉन्ड भी यहीं पर भरे जाएंगे, तो ये जो प्रक्रिया है तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर जो है ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी, यानी 11 बजे के आसपास। उसके बाद कोर्ट जो है वो रिलीज ऑर्डर यहां से जारी करेगा, जिसके बाद वकील या फिर मैसेंजर के थ्रू ये जो रिलीज ऑर्डर है ये डासना जेल जो है पहुंचाया जाएगा और उसके बाद वहां से रिहाई की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन इतना साफ है कि अभी थोड़ी देर में प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि वकील आना शुरू हो गए। जैसे मैंने बताया, बैटरी ऑफ लॉयर्स से काफी सारे लॉयर्स यहाँ आरुषि के जो फैमिली है उनको प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर स्थिति यह है कि सबसे पहले सर्टिफाइड कॉपी जो है वो दिखाई जाएगी कोर्ट को और उसके बाद जो ये सर्टिफाइड कॉपी के बेसिस पर जो है रिलीज ऑर्डर इशू होगा, बेल बॉन्ड भी यही भरे जाएंगे। तो शम्स ताहिर खान भी मौजूद है डासना जेल के बाहर से। शम्स, यहाँ पर इंतजार बहुत लंबा हो गया, क्योंकि गुरुवार को ही कोर्ट ने बता दिया था कि उन्हें रिलीज करना है और बिना किसी देरी के करना है। 3 दिन और बीत गए, अभी डासना जेल से आपको क्या इनपुट्स मिल रहे हैं? देखिए, यहाँ पर पूरी तैयारी है। यहाँ पर सिर्फ एक चीज है कि रिलीज ऑर्डर जैसे ही आता है उसके बाद आधे घंटे की फॉर्मेलिटी है, क्योंकि तैयारी लगभग शुक्रवार से ही है। दलवार दंपत्ति ने अपने सारे सामान जो जेल में रहने के दौरान थे वो सारी चीजें पैकिंग पहले ही हो चुकी है, बस रिहाई में देरी हो रही थी। कानूनी अड़चन से कई चीजें थी, 2 दिन तक अदालत बंद था। उसके बाद अब जब वहां से रिलीज ऑर्डर आएगा वो जेलर के नाम पे होगा। उसके बाद जो जेलर है उनका कहना है कि हम सिर्फ आधे घंटे का वक्त लेंगे और उसके बाद उनको ये रिहा कर दिया जाएगा। जो मेरे ठीक आप पीछे गेट देख रही हैं, इस गेट के बाहर उन्हें लाया जाएगा, चूंकि कोर्ट ने उन्हें कहा रिहाई करने के लिए, तो उसके बाद वो अपने यहाँ से प्राइवेट व्हीकल से बाहर जा सकती है। लेकिन वही सवाल है कि क्या लंच से पहले ये ऑर्डर की कॉपी आती है, क्योंकि अदालत में कुछ वक्त लग सकता है। एक तो बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा, क्योंकि अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन्हें बरी किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई इसे चुनौती दे सकती है, तो उसके लिए 3 महीने का बॉन्ड भरना पड़ता है और 3 महीने का ही वक्त होगा सीबीआई के पास इस फैसले को चैलेंज करने का। तो उनके वकील इसका बॉन्ड भरेंगे, उसके बाद रिलीज ऑर्डर होगा जो जेलर के नाम होगा, रिलीज ऑर्डर लेकर आएगा और उसके बाद कभी भी रिहाई हो सकती है। तो कानूनी प्रक्रिया ये पूरी जिसमें समय लग रहा है, लेकिन अब उम्मीद ये है कि दोपहर तक जेल से बरी हो जाएंगे, रिहा हो जाएंगे। आप दोनों का शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए।